हेलो फ्रेंड्स, यूके निटिंग में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही आसान टू कलर का पैटर्न लेके आई हूँ। ये देखिए, इस पैटर्न को आप ऑल प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, लेडीज के लिए, गर्ल्स के लिए और बेबीज के लिए। इसके अलावा आप इस पैटर्न को कैप, मफलर, ब्लैंकेट, स्कार्फ आदि पे भी डाल सकते हैं। बनके देखिए कुछ इस तरह से ये पैटर्न आ जाता है। बहुत ही सुंदर ये पैटर्न लगता है हमारा। ये फ्रंट साइड है और ये देखिए ये हमारे पैटर्न का बैक साइड। ये दोनों साइड से बहुत सुंदर ये हमारा पैटर्न आ जाता है। देखिए, सबसे पहले हमने अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से फंदे डालने हैं, फिर कोई सा भी बॉर्डर बना के तैयार कर लेना है। उसके बाद ये पैटर्न हमारा फ्रंट साइड से बनना स्टार्ट होता है और 10 नंबर की सिलाई पे हमने इस पैटर्न को बना लेना है। इस पैटर्न को बनाने के लिए हमने 4 के मल्टीपल में फंदे डालने प्लस 3 फंदे एक्स्ट्रा डाले, यानी कि 4 के जोड़े के हिसाब से हम फंदे डालेंगे और 3 फंदे एक्स्ट्रा डालेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। न्यू वीडियोज की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब हम अपना पैटर्न बनाना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, फ्रंट साइड से पैटर्न की फर्स्ट रो। अब देखिए, पैटर्न की फर्स्ट रो हमने जिस धागे से बॉर्डर बनाएंगे उसी धागे से हमने पैटर्न की फर्स्ट रो बनानी है। तो देखिए, फर्स्ट रो को हमने फ्रंट साइड से सीधा बुनते हुए कंप्लीट करना है। ये देखिए, ये पैटर्न की फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। यहाँ पे देखिए, हम पैटर्न 18 फंदों पे बना रहे हैं। 18 में से देखिए 2 फंदे एक्स्ट्रा हैं और 16 फंदों पे हमारा पैटर्न बनेगा। अब देखिए, बैक साइड से सेकंड रो। अब सेकंड रो में देखिए एक्स्ट्रा फंदा उतारा और सेकंड रो को हमने उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लेना है। अब देखिए, फ्रंट साइड से थर्ड रो। अब थर्ड रो को देखिए, हमने सीधा बुनते हुए कंप्लीट करना है। अब देखिए, बैक साइड से फोर्थ रो। फोर्थ रो में देखिए एक्स्ट्रा फंदा उतारेंगे और फोर्थ रो को सेकेंड रो की तरह उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, ये हमारी यहाँ पे 4 रोज बनके कंप्लीट हो चुकी हैं। जब शुरू में हम फंदे डालेंगे और बॉर्डर बनाएंगे तो एक ही बार हमने ये 4 रोज बना के कंप्लीट करनी है। अब देखिए, ये 4 रोज जब कंप्लीट हो गई तो अब यहाँ पे हमने सेकेंड कलर को अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए, मेरा सेकंड कलर ब्लू है। आप कोई सा भी कलर अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, ये पहला फंदा बुन के उतारेंगे। ये पहला फंदा हमने बुन के उतारा, फिर धागा अपनी साइड को करेंगे, 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1, 2 और 3। ये 3 फंदे उल्टे आ गए, फिर धागा अपनी साइड रहेगा। अब देखिए, जो नेक्स्ट चौथा फंदा है इसको हमने ऐसे उतार लेना है राइट नीडल में बिना बुने। अब देखिए, ऐसे सीधे फंदे की चेन में आएंगे तो देखिए, एक होल छोड़ना है, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो चौथे होल के अंदर ऐसे में सिलाई डालेंगे और देखिए, ये देखिए, ये ऐसे, ये सिलाई, ये देखिए ऐसे में डाल के और ये फंदा इस सिलाई के अंदर डाल देंगे। फिर देखिए, धागा अपनी साइड रहेगा और ये देखिए, ये इनको हमने एक साथ बुन लेना है। तो देखिए, ये 4 फंदे हैं। ये देखिए, 1, 2, 3 और 4, ये हमारे 4 फंदे हैं। फिर इनको उल्टा बुन लेना है, ये देखिए। फिर देखिए, नेक्स्ट हमने 3 फंदे उल्टे बुनने हैं, 1, 2 और 3। ये 3 फंदे उल्टे बुने। फिर देखिए, नेक्स्ट फंदा हमने ऐसे बिना बुने
राइट नीडल में उतार लेना है। फिर देखिए जो फंदा हमने राइट नीडल में उतारा इसकी चेन में आएंगे तो देखिए एक होल, दो होल, तीसरा होल और चौथा होल। तो चौथे होल में हमने सिलाई डालनी है लेफ्ट नीडल और ऐसे में डाल के देखिए, ये देखिए ये सिलाई के अंदर, ये जो सिलाई में फंदा है इसके अंदर से हमने ये लेफ्ट नीडल ऐसे में निकाल लेनी और ये फंदा हमारा लेफ्ट नीडल में आ जाएगा। फिर देखिए इस फंदे को हमने ऐसे में बुन लेना है। तो देखिए ये जो हमने चार होल में फंदे डाले हैं तो देखिए एक, दो और तीन और चार, ये चार फंदे हैं हमारी सिलाई में, इनको हमने एक बार बुन लेना है। तो देखिए इनको एक साथ बुनेंगे और उल्टा बुनेंगे, देखिए ये ऐसे ये बुन दिया। फिर देखिए नेक्स्ट तीन फंदे उल्टे बुनेंगे, एक, दो और तीन। फिर देखिए तीन फंदे के बाद देखिए नेक्स्ट फंदे पे पैटर्न आएगा, ये फंदा हमने उतार लिया और फिर देखिए इसके चेन में आएंगे, एक, दो, तीन और चार। फिर ऐसे में सिलाई डालनी है और इस सिलाई के अंदर इस फंदे को डाल देना है। फिर देखिए ये देखिए एक, दो, तीन और चार, इन चारों को एक साथ, एक फंदे के अंदर जो चार होल थे तो चार चार होल में हमारे ये चार फंदे हैं, इनको हमने एक साथ बुनना है। तो ये देखिए और उल्टा बुनना है, देखिए धागा अपनी ही साइड है। फिर देखिए नेक्स्ट तीन फंदे उल्टे बुनेंगे। फिर देखिए लास्ट के फंदे में भी ऐसे चेन में आएंगे और देखिए ये ऐसे सिलाई डालेंगे और ये लेफ्ट नीडल में इस फंदे को डाल देना है और फिर एक साथ बुन लेना है ये ऐसे। फिर धागा पीछे करेंगे और लास्ट का फंदा सीधा बुन लेंगे। तो देखिए ये फ्रंट साइड से हमारी फिफ्थ रो कंप्लीट हो गई और हमारा पैटर्न बनना भी स्टार्ट हो गया। फिर देखिए बैक साइड से सिक्स्थ रो। अब सिक्स रो में देखिए एक्स्ट्रा फंदा उतारेंगे और सिक्स्थ रो को सेकेंड रो की तरह उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। अब देखिए फ्रंट साइड से सेवंथ रो। अब सेवंथ रो को भी हमने सेकंड कलर से ही बुनना है। तो देखिए एक्स्ट्रा फंदा उतारा और सेवंथ रो को हमने सीधा बुनते हुए कंप्लीट करना है फर्स्ट रो की तरह। अब देखिए बैक साइड से एट्थ रो। एट्थ रो को हमने सेकंड रो की तरह उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करना है। अब देखिए फ्रंट साइड से नाइन्थ रो। अब नाइन्थ रो में हमारा फर्स्ट कलर आएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट कलर व्हाइट है तो देखिए पहला फंदा बुन के उतारेंगे और सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी साइड को करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, एक फंदा उल्टा बुना, धागा अपनी साइड रहेगा और नेक्स्ट फंदा हमने ऐसे बिना बुने उतार लेना है। अब देखिए नेक्स्ट फंदे के हमने चेन में आना है, ये देखिए एक होल छोड़ना है, दो और तीन और चार। तो देखिए ऐसे में हमने ये लेफ्ट नीडल डालनी है और ये फंदा हमने लेफ्ट नीडल में उतार लेना है। अब इस फंदे को हमने लेफ्ट नीडल में उतारा और देखिए एक, दो, तीन और चार, इन चारों फंदों को जो हमने लेफ्ट नीडल में एक साथ उतारा है, फंदे के अंदर से जो चार फंदे हैं इनको एक साथ उल्टा बुनना है। तो देखिए ये ऐसे उल्टा बुन दिया। फिर देखिए नेक्स्ट तीन फंदे उल्टे बुनेंगे, एक, दो, तीन, तीन फंदे उल्टे बुने। फिर देखिए नेक्स्ट फंदे पे सेम प्रोसेस रिपीट होगा, ये नेक्स्ट फंदा उतारा, फिर देखिए एक, दो, तीन और चार। अब देखिए जो चार होल छोड़ के ऐसे नीचे से ये सिलाई डालेंगे और ये फंदा ऐसे में देखिए ऐसे चेन में ये लेफ्ट नीडल में डाल देना है। फिर देखिए इस फंदे के अंदर
एक दो और तीन और चार धागे हैं, इनको हमने एक साथ ये ऐसे में उल्टा बुन लेना है। ये देखिए, फिर नेक्स्ट तीन फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर देखिए नेक्स्ट फंदे पे सेम प्रोसेस रिपीट होगा। फिर तीन फंदे उल्टे बुनने हैं, फिर देखिए नेक्स्ट फंदे पे सेम प्रोसेस रिपीट होगा। ये देखिए, ये फंदा हमने ऐसे में लेफ्ट नीडल में डाल देना है, और देखिए इसके अंदर जो ये चार फंदे आ जाते हैं, यानी कि ये जो चार धागे आ जाते हैं, इनको हमने एक साथ बुन लेना है ये ऐसे। और लास्ट के फंदे ये दो उल्टे आ जाएंगे, और फिर धागा पीछे करेंगे और लास्ट का फंदा जो एक्स्ट्रा है इसको सीधा बुन लेंगे। तो देखिए फ्रंट साइड से हमारी ये 9th रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए बैक साइड से 10th रो। अब 10th रो को हमने 2nd रो की तरह उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करना है। अब देखिए फ्रंट साइड से 11th रो। अब 11th रो में हमारा पैटर्न रिपीट होगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे हमने शुरू में बॉर्डर बुनने के बाद 4 रो बुन के कम्प्लीट की थी, अब यहाँ पे देखिए 11th रो में जो पैटर्न रिपीट होगा, तो यहाँ पे हमने सिर्फ 2 रोज बुन के ही कम्प्लीट करनी है। तो देखिए यहाँ पे भी हमारा फर्स्ट कलर लगेगा। तो देखिए 11th रो में देखिए एक्स्ट्रा फंदा उतारा, और 11th रो को हमने सीधा बुनते हुए कंप्लीट करना है। ये हमारा पैटर्न रिपीट हो रहा है। अब देखिए बैक साइड से 12th रो को भी हमने 2nd रो की तरह उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करना है। अब देखिए फ्रंट साइड से 13 रो। अब 13 रो में देखिए हमारा 2nd कलर आ जाएगा। ये देखिए एक्स्ट्रा फंदा उतार दिया, फिर धागा अपनी साइड करेंगे, तीन फंदे उल्टे बुनेंगे, एक दो और तीन, तीन फंदे उल्टे बुने, धागा अपनी ही साइड रहेगा, नेक्स्ट फंदा बिना बुने उतार लेंगे। और देखिए नेक्स्ट फंदे के ऐसे चैन में आएंगे, और ये देखिए ये ऐसे में हमने सिलाई डालनी है। ये लेफ्ट नीडल डाली, और लेफ्ट नीडल में देखे एक दो और ये देखिए तीन, और देखिए ये नीला वाला फंदा, ये देखिए ये चारों फंदे जो ये चारों धागे हैं इनको एक साथ बुन लेना है। ये देखिए, फिर देखिए नेक्स्ट तीन फंदे उल्टे आ जाएंगे, फिर देखिए नेक्स्ट फंदा उतारेंगे, फिर इसकी चेन में आएंगे ऐसे नीचे, और देखिए इस फंदे को हमने लेफ्ट नीडल में ऐसे में उतार लेना है। फिर देखिए इस फंदे को देखिए ऐसे में बुन लेंगे एक साथ, इस फंदे के अंदर देखिए जो चार धागे हैं इनको हमने एक साथ बुन लेना है और उल्टा बुनना है। ये देखिए, फिर देखिए नेक्स्ट तीन फंदे उल्टे बुनेंगे, ये पैटर्न रिपीट हो रहा है। फिर देखिए नेक्स्ट तीन फंदे उल्टे बुनेंगे, फ्रंट साइड से हमारी 13 रो कंप्लीट हो गई। 13 रो हमारी रिपीट रो थी, 11th, 12th और 13th, ये हमारा पैटर्न रिपीट हो रहा था इन 3 रो में। इस तरह हमने अपने पैटर्न को रिपीट करते जाना है,
और बन के देखिए हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से आ जाएगा। बहुत ही आसान पैटर्न है और बन के देखिए बहुत ही सुंदर ये पैटर्न आ जाता है। आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।